जयपुर के जो फाउंडर थे महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने इस जंतर मंतर को 1728 से 1734 तक कंप्लीट कराया। तो फर्स्ट जंतर मंतर दिल्ली में बनवाया, मथुरा, बनारस, उज्जैन एंड उन चारों में जो कमियां रहीं वो पूरा किया जयपुर में। इसलिए सबसे बड़ा जंतर मंतर है जयपुर का, जो आज भी सन की लाइट से वर्किंग में है। अब देखिए इस दीवार का जो रिफ्लेक्शन अभी यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पे रिफ्लेक्शन है, यहाँ तक आफ्टरनून हुआ 12 o'clock, 12:15, 12:30, 12:45, 46, 47, अराउंड 48 हो रहा है। तो ये अपना साथ जो 14:15, ये देखिए 1:15 हो रहा होगा अपनी घड़ी का टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है नाड़ी वलय उत्तर गोल और नाड़ी वलय दक्षिण गोल, 2 hemisphere बने हुए हैं। ये हेमिस्फीयर क्लॉक है, 6 months वर्किंग में है। जितना भी इंस्ट्रूमेंट देखा आपने अराउंड 300 years ओल्ड है, 300 साल पहले अराउंड 300 years बैक इंस्ट्रूमेंट बनाए। तो महाराजा कितने इंटेलिजेंट होंगे, इसीलिए उनको टाइटल मिला था सवाई का। एक्चुअल नेम जयसिंह था, सवाई उनका पदवी था, सवाई जयसिंह, और सवाई का मतलब होता मोर देन इंटेलिजेंट, सवाया। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नई जर्नी, एक और नई डेस्टिनेशन के आज के फ्रेश व्लॉग में मैं राजू गामित मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। गाइस इस वक्त हम राजस्थान का कैपिटल और पूरे वर्ल्ड में पिंक सिटी के नाम से फेमस जयपुर शहर में है। कल हम शाम को जयपुर आ पहुँचे हैं और मेरे पीछे की ये जो होटल है, इस होटल में हमने स्टे किया था। तो एक ही नाइट के लिए हमने रूम लिया था, आज हम जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे, जितना हो सके उतना टूरिस्ट प्लेसेस का हम विजिट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगरा की ओर आगे जाएंगे। तो इस वक्त हम जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए हम निकलेंगे, तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइस इस वक्त हेतवी यहाँ पर छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन में खेल रही है। तो हेतवी की मम्मी भी तैयार हो गई है, अभी सुबह सुबह हम चाय तो पी ली है, अभी 7:30 बज गए है, थोड़ी ही देर में हम होटल से हम निकलेंगे। तो ये होटल का पूरा व्यू है, यहाँ पर पार्किंग है, तो ये पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है। तो गाइज इस वक्त हम जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं, ये कैब हमने कर ली है। तो गाइज इस वक्त हम जंतर मंतर पर हम आ पहुंचे हैं, जंतर मंतर का पूरा नज़र आप सभी को हम दिखाएंगे। यहां पर भी एडल्ट के लिए 52 रुपये और स्टूडेंट के लिए 22 रुपये का चार्जेस है। तो अभी हम जंतर मंतर में हम एंटर हो रहे हैं। तो गाइज देखिए ये जंतर मंतर में हम आ पहुंचे हैं, जंतर मंतर में यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के यंत्र बने हुए हैं, जो कि पहले के समय में राजा रजवाड़े इस यंत्र से कुछ टाइम है, बरसात की आगाही है, बारिश आने का राशियों से, पूरे नक्षत्रों से समय तय करते थे। तो पूरा ये जंतर मंतर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पर यंत्र बना हुआ है, उसमें ज़्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस वक्त हमने जंतर मंतर पर यहाँ का गाइड हायर कर लिया है। तो गाइड साहब जंतर मंतर पर जितने भी यंत्र बने हुए हैं उसके बारे में जानकारी हमें दीजिए। तो मेरा नाम गौरव सिंह राठौर, मैं जंतर मंतर का गाइड हूँ, आप सभी लोगों का जंतर मंतर के अंदर स्वागत है। तो सर ऐसा है, इस जगह को ज्योतिष वेदशाला बोलते हैं, ज्योतिष यंत्रालय, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, लोकल लैंग्वेज में जंतर मंतर बोलते हैं। जंतर मंतर सुनने से ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता कोई मैजिक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जंतर का मतलब होता है यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, और मंतर का मतलब होगा कैलकुलेशन, तो इंस्ट्रूमेंट एंड कैलकुलेशन है, यंत्र और मंत्र से बना है, बोलते बोलते जंतर मंतर बोला गया है। जयपुर के जो फाउंडर थे महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने इस जंतर मंतर को 1728 से 1734 तक कंप्लीट कराया, और इंडिया में ऐसा उन्होंने 5 जंतर मंतर बिल्ड कराए, 5 जगह, क्योंकि महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, ग्रेट टाउन प्लानर एंड गुड रूलर। तो फर्स्ट जंतर मंतर दिल्ली में बनवाया, मथुरा, बनारस, उज्जैन एंड उन चारों में जो कमियां रहीं वो पूरा किया जयपुर में। इसलिए सबसे बड़ा जंतर मंतर है जयपुर का, जो आज भी सन की लाइट से वर्किंग में है। एंड यहाँ पर ऑल इंस्ट्रूमेंट 27 डिग्री एंगल पे बना हुआ है, क्योंकि लेटीट्यूड इस सिटी का 27 डिग्री है।
फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ये सन क्लॉक है, सोलर वॉच। ये सन क्लॉक आपको टाइम शो करेगा लोकल जयपुर का, सोलर अपनी क्लॉक का टाइम नहीं बताएगा, क्योंकि अपना जो क्लॉक है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो कैलकुलेट इलाहाबाद से हो रहा है। तो लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में है डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस जो रहता है वो 10 मिनट, मैक्सिमम रहता है 41 मिनट। टूडे जो डिफरेंस वहाँ लिखा हुआ बोर्ड पे 27 मिनट। अब आज 27 मिनट को इस लोकल टाइम में ऐड करते हैं तो अपनी घड़ी का टाइम आ जाएगा। टाइम देखने के लिए इस क्लॉक में मार्बल का दो प्लेट, एक तो लेफ्ट में और एक राइट में। सेंटर वाला जो वॉल है ये निडिल है इस क्लॉक का, एंगल जिसका 27 डिग्री है क्योंकि सिटी का लैटिट्यूड 27 है। सनराइज ईस्ट से होता है, पूरब से, राइट हैंड साइड पूरब है, ईस्ट है। तो मॉर्निंग टाइम इस वॉल का जो रिफ्लेक्शन वो लेफ्ट डायल पे गिरेगा, अपोजिट मॉर्निंग टाइम शो करेगा 6 to 12। आफ्टरनून के बाद में सन जब लोकल मेरिडियन को पार करके वेस्ट में चला जाएगा तो शैडो अपना राइट प्लेट पर आ जाएगा, तो राइट प्लेट आफ्टरनून टाइम बताएगा। तो टाइम कैसे देखा करते थे, आएंगे आप लास्ट में टॉप पे देखिए हिंदी नंबर 6 लिखा हुआ है, डाउन में देखो 7 है, 8 है, यहाँ देखिए 9 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ, 12 मॉर्निंग 6 to 12, 12 to 6 अदर डायल में। अब यहाँ देखिए आप हिंदी नंबर 10 लिखा है, यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है, तो वन प्लेट जो है यहाँ पर 1 आवर का है, 1 घंटे एक मार्बल। इस 1 आवर को उन्होंने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 15 मिनट्स, 15 मिनट। इस 15 मिनट को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5, 10 and 15। 5 मिनट्स को अगेन 5 पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5, और एंड 1 मिनट को भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 20 सेकेंड। तो इस क्लॉक का जो एक्यूरेसी है वो 20 सेकेंड तक है। तो अभी शैडो जो है इस दीवार का राइट वाले मार्बल पे है। अब देखिए इस दीवार का जो रिफ्लेक्शन अभी यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पे रिफ्लेक्शन है, यहाँ तक आफ्टरनून हुआ 12 o'clock, 12:15, 12:30, 12:45, 46, 47, अराउंड 48 हो रहा है। तो 12:48 जो है वो जयपुर का लोकल टाइम है। टुडे जो डिफरेंस है लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में जो डिफरेंस है लिखा हुआ देखिए 27 मिनट, तो प्लस इसमें अपन को 27 मिनट ऐड करना पड़ेगा। तो ये अपना 7 जो 14 15, ये देखिए 1 बज के और 15 मिनट हो रहा होगा अपनी घड़ी का टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है ध्रुव दर्शक पट्टिका, एंड इंस्ट्रूमेंट नाइट में वर्क करता है। नाइट में आप यहाँ से बैठ के इस पॉइंट से देखेंगे इस तरह से, तो इसी डायरेक्शन पे स्काई में जो आपको स्टार दिखाई देगा वो होगा ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार। एंड नॉर्थ स्टार ऑलवेज फिक्स द सेम प्लेस इन सेम डायरेक्शन। तो फ्रंट साइड क्या नॉर्थ हो गया, अपोजिट साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, पास बोल सकते हैं। एंगल 27 डिग्री है क्योंकि लेटीट्यूड सिटी का जयपुर का 27 डिग्री है। हाँ, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में निकलता है, कभी भी देखें 12 महीने कॉन्स्टेंट है। तो फ्रंट साइड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कंपास बोल सकते हैं। तो फर्स्ट महाराजा ने डायरेक्शन फाइंड किया, जब दिशा मालूम पड़ गया उसके बाद पूरा जंतर मंतर बना। तो पहला यंत्र इस जंतर मंतर का कंपास, एंगल 27 डिग्री है। अदर प्लेसेस दिल्ली में यही यंत्र 28 डिग्री पे बना हुआ है क्योंकि दिल्ली का लेटीट्यूड 28 है, जयपुर अपना 27 पे, इसलिए ऑल इंस्ट्रूमेंट 27 डिग्री पे बना हुआ है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है यंत्र राज, यहाँ भी लिखा हुआ है यंत्र राज, एक्चुअल में ये एस्ट्रोलैब है और यंत्र राज नाम इसका है। यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट हो गया, राज मीन्स हो गया किंग, किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सभी यंत्रों का राजा, अष्ट धातु का बना हुआ, 8 मेटल का, इसलिए सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नाइट में इस यंत्र की हेल्प से अपने जो नक्षत्र होते हैं ना, स्टार कॉन्स्टलेशन, उनका पोजीशन देखा करते हैं। 27 नक्षत्र होता है, उन सबका हिंदी में नाम लिखा हुआ है। अगर आप इस प्लेट को ध्यान से देखेंगे वहाँ देखिए हिंदी में नाम लिखे हुए हैं, अश्विनी, मघार, वहिणी, कृतिका, वर्ग, विशाखा, चित्रा, प्रजापति, पुनर्वसु, अनुराधा, वो देखिए छोटे छोटे अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। इस प्लेट के सेंटर में जो हॉल है वो जयपुर है, उसी के जस्ट डाउन पे देखो उस 27 डिग्री अक्षांश जो लिखा हुआ है वो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड उसी हॉल के जस्ट ऊपर देखिए 1 पॉइंट दिख रहा है जहाँ से लाइनें थ्रू हो रही हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वो नॉर्थ पोल है। एंड लास्ट में स्केल बना हुआ 360 डिग्री। तो नाइट में क्या करते हैं जो हॉल यहाँ लगाते हैं, टेलीस्कोप। मगर आज से 300 साल पहले टेलीस्कोप नहीं होता था, एक लॉन्ग ट्यूब होता था। उस लॉन्ग ट्यूब को क्या करेंगे, इस हॉल के अंदर ना डाल के इस प्लेट के ऊपर लगा देंगे पैर पर, और इस तरह से रोटेट भी करा सकते हैं। एंड इस प्लेट को भी बाई हैंड अपन रोटेट करा सकते हैं क्योंकि ऊपर जो लॉक है रोटेट वाला है,
तो इसलिए इस प्लेट को इस तरह से मूव करा सकता। जैसे ही स्काई वाला स्टार एंड प्लेट जब दोनों एक लाइन में होगा, फिर यहाँ पर जो टेलीस्कोप लगा हुआ ट्यूब लगा हुआ, इस ट्यूब को धीरे धीरे करके इस तरह से घुमाएंगे, और जैसे ही इस ट्यूब से वो स्टार जब दिखने लग जाएगा तो यहाँ हिंदी में जो नाम लिखा है ना प्लेट पे, वो उसी कॉन्स्टिलेशन का नाम होगा। अब यहाँ से नाम एंड डिग्री लेने के बाद में जो सेकंड प्लेट है वो ब्लैक बोर्ड है, उस पर राइट डाउन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि जैसे अभी किसी बच्चे ने जन्म लिया, कॉन्स्टिलेशन ये चल रहा कैसा रहेगा, अच्छा खराब, जो जन्मपत्री बनाते थे ना कुंडली उसमें यूज करते थे 300 साल पहले, मगर आजकल यहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ से हिंदी कैलेंडर, लोकल पंचांग एंड जन्मपत्री कंप्यूटर से तैयार होता है। तो 300 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं होता था तो इन यंत्रों से कुंडली तैयार किया करते और आज भी कर सकते हैं क्योंकि ये टोटल वर्किंग में है। इसलिए महाराजा ने जितना भी इंस्ट्रूमेंट बनाया, बनाने से पहले ट्रायल किया, उसके बाद बड़ा रूप बनाया। फर्स्ट में आपने जो स्मॉल सन क्लॉक देखा था, छोटा सूर्य घड़ी, वो ट्रायल था, उसका फाइनल आपको लास्ट में दिखाएंगे चलते। वर्ल्ड लार्जेस्ट सन क्लॉक है। इसी तरह से सामने देखो बड़ा यंत्र बना हुआ है, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो आपको वहाँ बताएंगे चल के। उसका इस रिप्लिका यहाँ तैयार किया हुआ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है नाड़ी वलय उत्तर गोल और नाड़ी वलय दक्षिण गोल, टू हेमिस्फीयर बने हुए हैं। ये हेमिस्फीयर क्लॉक है, 6 मंथ वर्किंग में है क्योंकि 6 मंथ सन अपना रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 6 मंथ रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में। व्हाट ईयर्स में 2 डेज ऐसा भी आता है, 21 मार्च 23 सितंबर, सन ना तो नॉर्दर्न में होता ना सदर्न में होता, ओनली होता इक्वेटर लाइन पे, डे नाइट इक्वल होता इक्विनॉक्स। 21 मार्च टू 22 सितंबर सन अपना भी नॉर्दर्न में है तो नॉर्थ वाला भाग काम कर रहा है। 23 सितंबर टू 20 मार्च जब सदर्न में पहुंचेगा तो इसका अदर साइड काम करेगा। ऐसा ही अदर साइड भी बना हुआ है। टाइमिंग के लिए देखिए सेंटर में आयरन पिन लगा हुआ है और इस आयरन पिन का रिफ्लेक्शन देखिए अभी इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन में सामने। और यहाँ पर देखिए आवर्स लिखा है, यहाँ देखिए 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ये 1 प्लेट, ये 1 आवर का हो गया। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये हाफ एन आवर हो गया। हाफ एन आवर को अगेन 6 पार्ट में डिवाइड कर दे तो 5 मिनट्स हो गया। 5 मिनट्स को अगेन 5 पार्ट्स में 1 मिनट हुआ। सेंटर में जो आयरन रॉड है, निडिल है इस क्लॉक का, रिफ्लेक्शन देखिए एग्जैक्टली 1 o'clock पे गिर रहा है। तो 1 o'clock जो है वो जयपुर का लोकल टाइम है। 2 डे जो डिफरेंस है वो 27 मिनट प्लस कर देंगे इसमें तो देखिए आपकी घड़ी का टाइम आ जाएगा 1:27 हो रहा होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नॉर्दर्न इसके अदर साइड बना हुआ था, 21 मार्च टू 22 सितंबर सन नॉर्थ में था तो इसका अदर साइड काम कर रहा था। 23 सितंबर टू 20 मार्च जब साउथ में आ जाएगा तब ये वाला पार्ट वर्किंग में आएगा। तो ये विंटर के लिए और उधर समर के लिए था। अभी देखिए लाइट नहीं आ रहा है, डार्क आ रहा है। बट ईयर्स में 2 डेज ऐसा भी आएगा 21 मार्च 23 सितंबर, उस दिन दोनों ही पार्ट वर्किंग में नहीं रहेगा क्योंकि सन उस दिन जो होगा वो इक्वेटर लाइन पे होगा, डे नाइट इक्वल होगा इक्विनॉक्स। तो 2 डेज दोनों ही प्लेट टाइम को शो नहीं करेगा। तो 2 डेज के लिए महाराज ने इसके सीलिंग पे भी एक क्लॉक बना दिया स्मॉल, जो ओनली 2 डेज वर्क करता है। स्मॉल जो क्लॉक बना हुआ वो 2 डेज वर्क करता है, 21 मार्च 23 सितंबर। तो देखिए ये मिरर है अपना स्काई का, स्काई मिरर है और इस यंत्र का नाम है जय प्रकाश यंत्र। यहाँ देखिए लिखा हुआ व्हाइट मार्बल पे जय प्रकाश यंत्र। जय मीन्स महाराजा सवाई जय सिंह जो जयपुर के फाउंडर थे। प्रकाश मीन्स हो गया सनलाइट एंड यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट। एंड ये इंस्ट्रूमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। वो पार्ट बी में है, पार्ट बी का मिसिंग मार्बल पार्ट ए में है। ये देखिए इस तरह से बना हुआ कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो पूरा फिक्स एक हाफ ग्लोब बन जाएगा, एक सॉलिड यंत्र बनेगा। पर आप अंदर जा नहीं सकते कैलकुलेशन करने के लिए एग्जैक्ट परफेक्ट, इसलिए महाराजा ने इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया। एंड अंदर जाने के लिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते से अंदर जा सकते थे। और इससे जोडियक साइन देख सकते हैं, सन साइन की राशि कौन सा चल रहा है। ये देखिए सेम सर्कल है 360 डिग्री का। ये देखिए वायर बंधे हुए 90 डिग्री एंगल पे। सेंटर में जो आयरन प्लेट है, ये जो प्लेट है सूर्य सन को इंडिकेट कर रहा है और इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन गिरता है उससे जोडियक साइन देख सकते हैं, सन साइन राशि कि सूर्य अभी कौन सी राशि पे चल रहा है। तो देखिए अभी इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन वो वहाँ सामने आ रहा है, वो देखिए प्लेट का जो रिफ्लेक्शन है वो देखिए, वो आ गया इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन है। और जहाँ प्लेट का रिफ्लेक्शन है इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा, जो मेरे हाथ का परछाई देख रहे हैं। और ये सेकंड बॉटम लाइन पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हिंदी में देखिए लिखा हुआ मिथुन राशि, जेमिनी जिसको बोलते हैं। तो 21 मई को शैडो इस जेमिनी से स्टार्ट हुआ था और 21 जून को इस प्लेट का शैडो बॉटम लाइन तक पहुंच जाएगा। तो 21 मई टू 21 जून के बीच में जितने भी बच्चे वॉर्न होंगे, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, उन सब का जो सन साइन होगा वो जेमिनी होगा, मिथुन राशि।
ये राशि जो मैंने आपको बताया वन मंथ के बाद चेंज हो जाता है। दूसरा, इस यंत्र से अपन एक लगन राशि और देख सकते हैं जो हर दो घंटे के बाद चेंज होता है और डिपेंड करता प्लेस ऑफ बर्थ पे। तो मेरे हाथ का जो परछाई मार्बल पे आप देख रहे हैं, ये दोनों जो लाइन है राशि का है, मगर इसमें क्रॉसिंग लाइन जो देख रहे हैं अलग लाइन, तिरछा लाइन जो देख रहे हैं ये लगन राशि का है। तो अभी इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन है वो सामने आ रहा है, और जहाँ मेरे हाथ का परछाई देख रहे हैं इस क्रॉसिंग लाइन पे, अगर आप लास्ट में टॉप पे चले जाएंगे जहाँ पर वायर बंधा हुआ है ईस्ट वाले पॉइंट पे, तो वहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कर्क मध्य लग्नम। तो अभी जो बच्चा जयपुर में जन्म लेगा उसका जो लोकल साइन होगा वो कैंसर होगा, राशि उसका जैमिनी होगा। मगर इसी टाइम पे एक बच्चा भी इंग्लैंड में जन्म ले रहा है तो उसका राशि तो जैमिनी होगा मगर लगन उसका कैंसर नहीं। उसके बाद में इस प्लेट का रिफ्लेक्शन जैसे ही गैप में जाएगा मिसिंग में, तो यहाँ का मिसिंग है वी पार्ट में, तो वी वाला पार्ट वर्किंग में होगा। तो बनावर इधर और बनावर उधर, एक एक घंटे दोनों यंत्र वर्किंग में रहते हैं। तो हॉरोस्कोप तैयार करने के लिए फर्स्ट आपने जयपुर का लोकल टाइम देखा स्मॉल क्लॉक से, उसके बाद आपने राशि देखा और लगन राशि देखा। राशि अभी जैमिनी चल रहा है, मिथुन राशि चल रहा है, और जो बच्चा अभी जयपुर में जन्म ले रहा है उसका जो लोकल साइन है वो कैंसर है। तो इसलिए आप लोग कैंसर वाले हाउस पे आ गए, यहाँ से लगन का डिग्री फाइंड करें। यहाँ पर टोटल 12 साइन है और वन साइन अपना जो है वो 30 डिग्री का है, तो जब वन जोड़ी साइन 30 का, तो 12 कितने का हुआ, 360 का हो गया। वन मंथ चलता है, वन मंथ में 30 डेज होता है, जोड़ी अक्षांश भी 30 डिग्री का, सन वन डे में वन डिग्री, तो 30 डेज का 30 डिग्री। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिफरेंस, वो 30 डिग्री का डिफरेंस लिखा हुआ है। जैसे टॉप पे आप देखेंगे तो देखो 360 लिखा हुआ है, 360 पे जीरो होता है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 60 लिखा हुआ है, इधर देखिए 90 लिखा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 30 डिग्री का है। एंड जब इस दीवार का रिफ्लेक्शन गिरता है, रिफ्लेक्शन जब 1 डिग्री को कंप्लीट करता है तो 4 मिनट लेता है। कहने का मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो 30 डिग्री अपना हो गया 120 मिनट। 120 मिनट का वही 2 आवर्स हो गया, 2 घंटे। तो हर 2 घंटे के बाद में जो लगन होता है वो चेंज हो जाता है, राशि 1 महीने के बाद, लगन 2 घंटे के बाद। तो अभी जो बच्चा जयपुर में जन्म ले रहा है तो सूरज इस लगन में कितने डिग्री पे है, टोटल कंप्लीटली अभी 3rd नंबर का राशि चल रहा है, फर्स्ट एरिस था, सेकंड टॉरस, 3rd जेमिनी। मगर जेमिनी जो कंप्लीट होगा 21 मई से स्टार्ट हुआ, 21 जून को कंप्लीट हो जाएगा, और वन डे का 1 डिग्री, तो 5 डेज का 5 डिग्री। तो जब 33 जोड़ी एक्शन कंप्लीट करेगा तो 30, 60, 90 होगा, तो 90 डिग्री जो कंप्लीट करेगा 21st ऑफ जून को, मगर अभी 5 डेज अभी लेफ्ट हैं, तो इसलिए इसमें से 5 डिग्री लेस कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जब ये रिफ्लेक्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब यहाँ पर था यानी कि 85 डिग्री पे, तो कैंसर लगन स्टार्ट हुआ था। और अभी इस लगन में कितना डिग्री कंप्लीट किया, यहाँ से काउंट करते 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिग्री कंप्लीट किया है, 13 डिग्री कंप्लीट किया है, इसका मतलब अभी 17 डिग्री और चलेगा। और 1 डिग्री अपना जो होता है वो 4 मिनट का है, तो 13 डिग्री कितने का हुआ, 13, 26, 43, 54, 52 मिनट्स। तो सूरज को इस लगन में, कैंसर लगन में चलते हुए 52 मिनट्स हुआ है, इसका मतलब 1 आवर और 8 मिनट तक जितने भी बच्चे और जयपुर में जन्म लेंगे उन सब का लगन कैंसर रहेगा। उसके बाद जो बच्चा जयपुर में जन्म लेता है उसका राशि तो जैमिनी होगा, मगर लगन जो है कैंसर के बाद जो नंबर आता है लियो का, तो लगन फिर लियो में पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट में आप लोगों ने जो देखा था छोटा वाला सन क्लॉक, स्मॉल सन क्लॉक, एक्यूरेसी जिसका था 20 सेकंड, और ये बड़ा सन क्लॉक वर्ल्ड लार्जेस्ट है, एक्यूरेसी जिसका 2 सेकंड है, उससे 10 टाइम बिगर है। डिजाइन प्रिंसिपल सेम वही है, लेफ्ट प्लेट मॉर्निंग टाइम 6 to 12, राइट आफ्टरनून टाइम। सेंटर में जो वॉल है ये निडिल है, 27 डिग्री एंगल है। स्मॉल सन क्लॉक में आपने देखा था सिंगल प्लेट 1 आवर का था, यहाँ पर महाराजा ने 4 प्लेट्स किया 1 आवर का। यहाँ पर सिंगल प्लेट मार्बल जो है वो 15 मिनट्स का है, उस 15 मिनट वाले मार्बल को उन्होंने 15 पार्ट्स में कट किया, तो ईच 1 मिनट, 1 को अगेन 10 में 6 सेकंड और 6 सेकंड को 3 में 2 सेकंड, तो एक्यूरेसी 2 सेकंड। स्मॉल क्लॉक में जो सन का जो रेज था वो एवरी 20 सेकंड के बाद चेंज हो रहा था, यहाँ पर हर 2 सेकंड के, जैसे अपना क्लॉक एवरी 1 सेकंड के बाद में स्मॉल निडल टिक 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 कर रहा है। तो टाइम देखने के लिए वही सेम राइट मार्बल पे देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाला प्लेट जो है वो एएम टाइम बताता है और राइट वाला पीएम। और अभी देखिए रिफ्लेक्शन वहाँ सामने,
और जहां पर रिफ्लेक्शन है उसके लेफ्ट से अगर मार्बल काउंट करते हो तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मार्बल फुल कंप्लीट हो गया। तो 4 मार्बल तक तो 1 o'clock हुआ, 5 मार्बल जो 15 मिनट हो गया, उसमें अराउंड 22 के करीब हो रहा है। तो 1:22 जो है वो जयपुर का लोकल टाइम है। अगेन इसमें 27 मिनट और ऐड कर देंगे, 49 हो रहा होगा। और ये जितना भी इंस्ट्रूमेंट देखा आपने अराउंड 300 ईयर्स ओल्ड है, 300 साल पहले अराउंड 300 ईयर्स बैक इंस्ट्रूमेंट बनाए, तो महाराजा कितने इंटेलिजेंट होंगे। इसीलिए उनको टाइटल मिला था सवाई का, एक्चुअल नेम जयसिंह था, सवाई उनका पद भी था, सवाई जयसिंह। और सवाई का मतलब होता मोर देन इंटेलिजेंट, सवाया, जैसे 1 रुपये 25 पैसे को बोलते हैं अपन सवा रुपए, तो महाराजा का माइंड सवाया था। आज भी ईयर्स में साल में पंडित लोग ज्योतिषी लोग यहाँ पर आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, जुलाई की महीने माता हिंदी के हिसाब से आषाढ़ के मंथ में, इन सीढ़ियों से टॉप पे जाते हैं और वहाँ टॉप पे जाके क्लॉथ फ्लैग लगाते हैं, कपड़े का झंडा, और फ्लैग जिस डायरेक्शन में जाता है हवा का डायरेक्शन देख के डिसाइड करते हैं कि इस साल बरसात कैसा होगा, मानसून वेदर फोरकास्ट। ओनली जयपुर के लिए, हर जगह के लिए नहीं, 75% तक आइडिया उनका आज भी राइट जाता है, वो आज भी करते हैं। इससे अपन इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन देख सकते हैं। देखने का तरीका क्या होता था, ये पहले गेट खुला हुआ था तो इन सीढ़ियों से ऊपर जाते थे, यहाँ पर एक रॉड रखते थे लंबा, जब बाहर निकला रहेगा सन का रेज पड़ेगा इसका, है ना, और इस पेन को मूव करूंगा तो शेडो भी मूव होगा। एक टाइम ऐसा आएगा इस पेन का रिफ्लेक्शन जहाँ व्हाइट मार्बल पे अपने टाइम देखा, वहाँ जैसे ही इसका रिफ्लेक्शन टच करेगा जाके, तो ऊपर जो डिग्री लिखा हुआ होगा वो बताएगा इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन, कि सन अपना कितना नॉर्थ में और कितना साउथ में, वो डिग्री भी फाइंड कर सकते थे, मगर इसके लिए सेपरेट इंस्ट्रूमेंट एक आगे भी बनाया। तो देखिए अभी इस पोल का जो रिफ्लेक्शन वो इस जगह पे है, और यहाँ देखिए हिंदी नंबर 65 लिखा है, यहाँ 70 लिखा हुआ है, तो 65, 66 और 67, तो अभी एल्टीट्यूड जो है वो 67 डिग्री, सनराइज मॉर्निंग टाइम 0 हुआ था, आफ्टरनून टाइम 90 आया, 90 अब जब डिसेंडिंग हो रहा है तो 67 डिग्री पे ये एल्टीट्यूड हुआ। रोटेशन के लिए ये जो सर्कल रोटेशन का है, रिफ्लेक्शन इस लाइन पे है और इसी लाइन पे आपको टॉप पे देखना पड़ेगा 80, 81, 82, 83, 84 अराउंड 85, तो आफ्टरनून से लेके अभी तक अर्थ अपने एक्स पे 85 डिग्री रोटेट हो चुका है, और टुमारो अगेन 360 पूरा करेगा तो वहीं अगेन 0 पे पहुंच जाएगा, और 1 आवर के बाद में ये रिफ्लेक्शन गैप में जाएगा तो अदर साइड। इस यंत्र का नाम है चक्र यंत्र, चक्र मीन सर्कल, 360 डिग्री का यंत्र इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसको पहले क्या करते थे, घुमा सकते थे इस तरह से, आजकल इसको फिक्स कर दिया, लॉक लगा दिया, क्योंकि लोग यहाँ पर आगे बैठने लग जाएँ, झूला झूलने लग जाएँ, फोटोग्राफी करने लगे, इसलिए इसको लॉक कर दिया। सेम सर्कल है 360 डिग्री का, मिडिल लाइन इक्वेटर है, सेंटर में जो हॉल है या रॉड लगता था इस तरह से, ये देखिए रिफ्लेक्शन आ रहा है इस रॉड का। जब ये ओपन था तो इसको सन की साइड में पहले घुमाते थे, अलाइन करते थे इस चक्र, फिर इस रॉड का रिफ्लेक्शन गिरता था। तो ईयर्स में 2 डेज 21st March 23rd September को सन जब इक्वेटर पे होगा तो 2 दिन इस रॉड का रिफ्लेक्शन बिल्कुल सीधा स्ट्रेट गिरेगा, ये देखिए सीधा है, डे नाइट इक्वल होगा इक्विनॉक्स। 3 मंथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंचेगा तो 21st of June को शेडो यहाँ पर आ जाएगा, उस दिन लॉन्गेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट नाइट, 3 मंथ में आया और 3 मंथ में अगेन वापस चला जाएगा डिफरेंस। इसी तरह 3 मंथ में कैप्रिकॉन तक गया था, 22nd December को प्लेट का शेडो इस रॉड का शेडो यहाँ पर था, 22nd December लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे, और 3 मंथ में शेडो अगेन वापस आया। तो अभी इंस्ट्रूमेंट लॉक इसलिए वर्किंग में नहीं है, नहीं शेडो के हिसाब से इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन, कि सन अपना कितना नॉर्थ में और कितना साउथ, जिससे अपन पता कर सकते हैं कि दिन कितना बड़ा, रात कितनी छोटी, रात कितनी बड़ी, दिन कितना छोटा। और ये यंत्र भी छोटा है, इसका बड़ा जहाँ आपने एंट्रेंस किया था प्रवेश द्वार पे देखिए बहुत बड़ा सा सर्कल टंगा हुआ है, वो इसका बड़ा है, मगर उसको भी लॉक इसीलिए किया है, लोगों का आना बैठना एंड झूला। ये उसका मॉडल है, वहाँ जो आपने राशि वाला इंस्ट्रूमेंट देखा था 2 पार्ट्स में जो कट था, उन दोनों को ज्वाइंट किया तो इस तरह से एक सॉलिड यंत्र बन गया। स्मॉल है, छोटा है, उतना एक्यूरेट नहीं है, मोर एक्यूरेट करने के लिए महाराज ने इसको बड़ा किया, प्रॉब्लम अंदर जाने का हुआ तो इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया और इसका नाम रख दिया कपाल यंत्र, कपाल के नाम बन गया सर्किट। तो गाइस यहाँ पर राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी का पेड़ भी आप देख सकते हैं, ये पूरा व्यू देखिए आप, बहुत ही सुंदर नजारा है। जंतर मंतर में पूरे ये प्रमाण माप निकालने का ये पूरा यंत्र बना हुआ है, बहुत सारे यंत्र है। इस वक्त हेतवी की मम्मी यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ के साथ ये पूरा फोटो खिंचवाती हुई, और हेतवी मम्मी का फोटो खींच रही है। तो गाइस ये जगह आप देख सकते हैं, बहुत सारे एक ही प्रकार के ये सारे यंत्र बने हुए हैं।
ये पूरे नक्षत्र बने हैं, यंत्र पर चढ़ना मना है। ये देखिए गाइस, जंतर मंतर का पूरा ये जगह पर हमने फटाफट घूम लिया है। अभी हम आगे की जगह पर जाएंगे, तो पूरा ये आप व्यू देख सकते हैं।